आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। एसआईएफसी में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की है। एसआईएफसी में अगर मुझे नहीं बुला रहे थे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से दो बार बात हुई। सूबे का हमारा शेयर है, पर जाहिर बात है कि हम कम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे। मैं अब सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। हमारे वाजिबात अदा भी नहीं किए जा रहे और हमारे वाजिबात को हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी नहीं किया जाता तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादती है। फिर जाहिर बात है हम अपने सूबाई लेवल पर वो इकदाम करेंगे जो हमारी पावर में है। हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक नहीं है कि जो कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी हमने कोई गलत काम किया। ये हमारा आईनी हक था, आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको। अगर ये एसआईएफसी में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा, क्योंकि मेरी ज़ात की बात तो है नहीं, सूबे की बात है। जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल ही बन रहा। बाकी हमारा जो अदालतों में हमारे केसेस चल रहे हैं सारे जैली केसेस, आपको पता है ऐसा ऐसा उनमें हर चीज़ सामने आती जा रही है। इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उसकी डोमेन में ना, तो पंजाब हुकूमत अपनी डोमेन को बार बार जो है वो क्रॉस कर रही है।